पंजाब के लोग और जो सिख कम्युनिटी है खासकर, इन लोगों को सेवा करने का मौका चाहिए होता है, सेवा करने का बहाना ढूंढते हैं। तो देखिए आज शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर कैसे ये जो सिख लोग हैं गांव के, इन्होंने यहाँ पर लंगर चलाया है, ये गन्ने का रस का यहाँ लंगर चल रहा है लगातार। तो हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ जी? गुरप्रीत सिंह। अच्छा, आज हिंदुओं का त्योहार है, यहाँ पर आप लोग सेवा कर रहे हैं, तो क्या कुछ मन में चल रहा है? ऐसे है नहीं है, यो अपना शिवरात्रि का त्योहार है जो हर साल मतलब कि असि लंगर लाने हैं। अच्छा। पहला साड़ी उरे होंदे सीगे, अपना गन्ना होंदा सीगा, हुण जमीन कवैर कर ली, हुण असि जिथे जमीन लई हुई है उत्थे ते गन्ना लैण के साडे बजुर्ग, यानी कि शुरू तो चलदा आ रहा कई सालां तो। कितने साल हो गए? यानी कि हो गए हुणे 50-60 साल तो असि देख रहे है, शुरू तो पहले इत्थे जद साडा गन्ना होंदा सीगा ते साडे बजुर्ग लांदे सीगे, हुण साडी जिवें तुहानूं पता इत्थे जमीन कवैर हो गई बढ़िया तरीके करा, यूथ साडे पिंड का बहुत एक नंबर है जी, सारे सेवा करा जी, हमारा यूथ सब सेवा करते हैं। आप भी यहीं से हैं जी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह। सेवादार हैं जी। हाँ जी। आप लोग तो सेवा का मौका ढूंढते हो, सेवा का मौका? हाँ जी हाँ, कम है बहुत जी। हाँ, बिल्कुल जी। देखिए जो सिख कम्युनिटी है, जो सिख लोग हैं तो सेवा का मौका ढूंढते हैं और आज इनको सेवा का मौका मिल गया। हाँ जी, कब से सेवा कर रहे हैं जी यहाँ पे आप? सुबह से, काफी देर से कर रहे हैं, 30 साल हो गए हैं, हर साल 30 साल हो गए हैं। सभी गाँव वाले मिलकर करते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें कितना का गन्ना लग जाता है जी, जो आप लोगों ने, कितना का गन्ना लगेगा आज जो आप? 100 क्विंटल। इसमें जब भी सभी नौजवान जो है गाँव के, है ना, बुजुर्ग, सब लोग मिल करके, ये सारा गाँव मिल कर, सारे गाँव के लोग मिल करके सेवा करते हैं यहाँ पर लगातार। देखिए लगातार ट्रालियां भरी हुई है, यहाँ पर नौजवान भी है यहाँ पर जो की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर बुजुर्ग है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि पहले इनके अपने खेत हुआ करते थे, जहां से ये गन्ना लेकर के आते थे, लेकिन आसपास की सारी जमीनें जो है सरकार ने एक्वायर कर ली, लेकिन इनका जो लंगर है वो नहीं रुका, वो लगातार चल रहा है। गन्ना कहीं दूर से लेके आना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये लोग लगातार यहाँ पर लंगर चला रहे हैं, लगातार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं ये लोग भक्तों का। आज शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है चंडीगढ़ और आसपास के, और दूर दूर से लोग यहाँ पर जो दर्शन करने आए हैं उनकी सेवा करने का एक मौका इन्हें मिला है। और पूरी शिद्दत के साथ आप देख सकते हैं सभी ग्रामवासी मिलकर के यहाँ पर लंगर कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया उपराला है ये गांव वालों का। और हम आपको मेले की कुछ और झलके भी दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।